जय श्री राम भाई, देसी ड्राइव के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपने सामने खड़ी है ऑल न्यू मारुति अर्टिगा, और ये जो है इसका VXI वेरिएंट है, जो कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट है। एक्स शोरूम में आपको कॉस्ट करता है 9,78,000 रुपये। देखेंगे इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी हमें क्या क्या चीज़ ऑफर करने वाली है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे आप कोई भी हमारी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। सामने सुजुकी का लोगो और क्रोम में दे रखी है इसकी ग्रिल, और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। नीचे रेडिएटर ग्रिल है, वो आपको मैट ब्लैक में मिलती है। और हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल बैरल्स मिलने वाले हैं। प्रोजेक्टर प्लस हेलोजन का सेटअप है। इधर साइड देखें तो हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिल जाती है, जो कि लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए नॉर्मल आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाला है। ये हो गया टर्निंग इंडिकेटर। और ग्रिल के अगर नीचे देखें, इसका जो लोअर लिप है वो आपको क्रोम में देखने के लिए मिलेगा। बाकी फॉग लाइट्स वगैरह इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाले, चाहे तो कंपनी से या फिर बाहर से आप लगवा सकते हो। बाकी ये जो पूरा पार्ट है फॉग लैंप्स का, जो ये लेआउट है, ये आपको दे रखा भाई मैट ब्लैक में। इसके डायमेंशंस की अगर बात करें तो 1735 mm आपको इसकी मिल जाती है विड्थ। साइड में चलें 1690 mm आपको इसकी हाइट मिल जाती है, और लेंथ मिल जाती है आपको इसकी 4395 mm की। नीचे देखें तो व्हील बेस मिल जाता है आपको इसमें 2740 mm का, और 185 mm की अच्छी खासी आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और टायर्स की बात करें तो इसमें आपको ब्रिजस्टोन के टायर्स मिलने वाले हैं, और टायर प्रोफाइल जो है 185/65R 15 इंच के। इसमें आपको नॉर्मल स्टील रिम्स मिलने वाले विद व्हील कवर्स। व्हील कवर्स जो हैं अभी अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि गाड़ी जो है सीधी स्टॉक यार्ड से आई है, और अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ी गंदी भी हुई पड़ी है, इस चीज़ को भाई माइंड मत करना। ORVM आपको बॉडी कलर मिलते हैं, ORVM के ऊपर ही दे रखा है टर्निंग इंडिकेटर। ए पिलर बॉडी कलर, बी पिलर मैट ब्लैक में, और पीछे जो है थर्ड रो के लिए क्वार्टर ग्लास दे रखा है। डोर हैंडल्स जो है वो अभी आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं। बाकी गाड़ी यार देखने में थोड़ी गंदी लग रही है, लुक वाइज नहीं, मतलब वैसे गंदी हुई है, स्टॉक यार्ड से आई है सीधी। और बाकी ये है गाड़ी की साइड से कुछ लुक। चलते हैं उसके पीछे, और इधर की बात करें, इधर सुजुकी का लोगो। ग्लास पे आपको ना तो रियर वाइपर है, ना डीफॉगर है, बाकी गंदी भी हुई पड़ी है। ऊपर मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप, और रियर व्यू कैमरा वगैरह कुछ नहीं मिलता। बाकी चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4। और इसका जो रियर बम्पर है वो आपको फुल बॉडी कलर ही देखने के लिए मिलेगा। टेल लाइट्स की बात करें, ये वाला जो पार्ट है ये आपको LED में देखने के लिए मिलेगा, बाकी पूरा हेलोजन है। ये हो गया टर्निंग इंडिकेटर, और ये हो गया रिवर्स लैंप। इधर मिल जाती है आपको अर्टिगा की बैजिंग, और इधर देखें तो लेफ्ट साइड दे रखा है इसका 45 लीटर का फ्यूल टैंक। BS6 फेज 2 के अपडेट्स के बाद अब इसमें जो है एथनॉल 20% जो पेट्रोल में मिक्स हो जाता है वो भी डल सकता है। सीधे चलते हैं अब इसकी फ्रंट सीट पर, दिखाते हैं वहाँ आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। और अंदर की बात करने से पहले भाई चाबी देख लो, चाबी कुछ इस तरह की मिलने वाली है मारुति की, जो सिग्नेचर की है, सेंटर लॉकिंग के साथ मिलने वाली है आपको इसकी दोनों चाबी लॉक अनलॉक। और इंटीरियर जो है वो आपको ब्लैक एंड बेज कलर में देखने के लिए मिलेगा, बाकी ब्लैक का जो है कम काम है, पूरा जो है बेज कलर में है। बाकी सबसे पहले डोर पैनल की बात करते हैं, डोर पैनल इधर देखें तो डोर पैनल जो है पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक में देखने के लिए मिलेगा। ग्रैब हैंडल ही हो गया, चारों पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। ड्राइवर साइड जो है वन टच ऑटो डाउन एंड अप, वे हो गया लॉक अनलॉक के लिए, ये विंडोज़ को लॉक करने के लिए। और सेकंड बेस वेरिएंट से इसके जो ORVM है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो मिलते हैं, साथ में फोल्डेबल भी मिलते हैं। नीचे बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट, स्पीकर की प्लेसमेंट, और इधर देखें तो ये कुछ ग्रे कलर का सा टेक्सचर सा दे रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर देखें ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। और सीट्स की बात करें तो सीट्स आपको नॉर्मल फैब्रिक में मिलने वाली है, कलर बेज है, और मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है। और ड्राइवर साइड जो सीट है वो आपको 4-way मैनुअली एडजस्टेबल सेटिंग के साथ मिलती है। 3 पैडल्स मिल जाते हैं, एक्सकलेटर ब्रेक एंड क्लच, एक प्रॉपर डेड पैडल भी इधर दे रखा है। इधर देखें तो ये हो गया इसके हेडलाइट्स के लेवल को एडजस्ट करने का बटन, ये हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, और इंजन का आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, क्योंकि इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है। AC वेंट्स हैं, पूरा जो है मैट ब्लैक में फिनिश, और ये हो गया ब्लोअर को एडजस्ट करने के लिए, ऊपर डिफ्यूज़र दे रखा है। और चलते हैं इसके अंदर, सीट्स को किया एडजस्ट, इसकी बात करते हैं भाई। ये इसका स्टेयरिंग ग्रिप काफ़ी अच्छी है, बाकी लेदर है वगैरह कुछ नहीं है। बीच में सुजुकी का लोगो, एयरबैग की बैजिंग। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको दो एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इधर हो गए इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, और इधर हो गए इसके टेलीफोनी के कंट्रोल्स, कॉल कट, और ये ब्लूटूथ के लिए। और स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट देखें तो टिल्ट और केवल टिल्ट ऑप्शन के साथ आपको इसका स्टेयरिंग मिलता है, बाकी फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, इधर दे रखा है इसका टैकोमीटर जिसमें 8000 तक की RPM दे रखी है। दूसरी साइड
इसका स्पीडोमीटर जिसमें 220 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड दे रखी है। इसी में दे रखा है छोटा सा फ्यूल गेज जिसमें आपकी फ्यूल दिखेगा आपको। बीच में दे रखी है छोटी सी MID जिसमें आपकी ड्राइवर इन्फॉर्मेशन आएगी पूरी। दो स्टिक्स दे रखी हैं, इधर से आपकी ट्रिप की डिटेल्स निकलेंगी एंड उधर से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। बाकी डोर वार्निंग वगैरह आप देख पा रहे हो तो इसी MID में आपको दिखेंगी। इधर देखें नॉर्मल ब्लूटूथ स्टीरियो आपको इसमें मिलने वाला है और चार मिल जाते हैं आपको इसमें स्पीकर। ये हो गया हज़ार्ड का बटन और ये जो है कुछ टेक्सचर सा दे रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। AC वेंट्स ये हो गए, एक उधर हो गया। नीचे देखें ये हो गए AC के कंट्रोल्स, पूरा जो है बेज कलर में ही है। और एक 12 वॉट का पावर सॉकेट, एक USB पोर्ट, ऑक्स का पोर्ट, इधर कुछ स्पेस है और कप होल्डर्स के अंदर जो यार AC वेंट्स लगा रखे हैं, मतलब आपके ग्लास वगैरह ठंडे हो जाएंगे अच्छे से। ये इसका 5-speed मैनुअल गेयर बॉक्स के ऊपर लेदर रैप, हैंड ब्रेक के ऊपर क्रोम का एक्सेंट। और इसका ग्लव बॉक्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइज़ का आपको इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है। ऊपर देखें मैनुअली डिमिंग IRVM और ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, वैनिटी मिरर नहीं है। और को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, एयरबैग की बैजिंग दे रखी है। इधर लैंप दे रखे हैं हेलोजन में, सिंगल लैंप है। और बाकी फ्रंट की बात हो चुकी है, सीधे चलते हैं अब इसकी बैक सीट पे। और यार कोई चीज़ मिस हो गई हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, बाकी गर्मी यार बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए यार जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इधर भी डोर्स की बात करें तो डोर्स देखो यार काफ़ी ज़्यादा जो चौड़े हैं और वाइड भी अच्छे खासे ओपन हो जाते हैं। क्रैब हैंडल हो गया, पूरा हार्ड प्लास्टिक में है। ये हो गया पावर विंडो का बटन और डोर हैंडल जो है वो आपको क्रोम में दे रखा है। बॉटल होल्डर हो गया, मैप पॉकेट, स्पीकर की प्लेसमेंट। और सेकंड रो में आपको दो हेडरेस्ट मिलते हैं, दोनों के दोनों जो एडजस्टेबल हैं। बीच में आर्म रेस्ट भी दे रखा है जिसमें सिंपल आर्म रेस्ट है, कप होल्डर्स वगैरह इसमें आपको नहीं मिलने वाले। तीनों पैसेंजर्स के लिए इधर सीट बेल्ट भी दे रखी हैं और अंदर चल के एक बार दिखा देते हैं। तो भाई सीट्स कम्फर्टेबल हैं, थाई सपोर्ट अच्छा है, नी रूम अच्छा है। और इधर एक 12 वॉट का पावर सॉकेट दे रखा है सेकंड रो के लिए। और ये रखे हुए हैं इसके व्हील कवर्स जो कि बाद में डलेंगे जब डिलीवरी का टाइम आएगा। ग्रैब हैंडल एक फ्रंट में मिल जाता है, एक इधर है एंड एक इधर। और ये इधर के भाई पूरी AC की यूनिट, चार AC वेंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ये हो गया ब्लोअर का एडजस्ट करने के लिए, सेकेंड और थर्ड रो के लिए यही जो काम करेंगे। लैम्प इधर दे रखा है सेकेंड और थर्ड रो के लिए जो कि हेलोजन में ही है। इधर की बात हो चुकी है, कोई चीज़ मिस हो गई तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी ये है एक बार डैशबोर्ड की, लोग कमेंट्स में बताना भाई डैशबोर्ड कैसा लग रहा है। और इसकी जो है सेकंड रो की सीट्स हैं ये 60-40 के रेशो में ना आगे जो है फोल्ड हो सकती हैं और इनका जो है आप रिक्लाइन एंगल भी सेट कर सकते हो। बाकी थर्ड रो में अभी हम नहीं चलेंगे, वैसे दिखा देते हैं कि क्या कुछ उसमें आपको मिलने वाला है। इधर से देखें तो थर्ड रो में आपको दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं, दोनों के दोनों एडजस्टेबल हैं। इधर ग्लास होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल इधर हो गया, दोनों पैसेंजर्स के लिए पीछे सीट बेल्ट्स भी इधर दे रखी हैं। और बाकी ये जो थर्ड रो की सीट्स हैं ये यार बच्चों के लिए ठीक है बैठने के लिए, बाकी बड़ा अगर कोई बैठेगा तो वो परेशान हो जाएगा। सीधे चलते हैं अब दिखाते हैं आपको इसका बूट स्पेस। और बूट ओपन करने के लिए इधर बटन दे रखा है और इधर देख पा रहे हो तो भाई स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको मिल जाती है। और ये इसका बूट स्पेस, इसमें आपको लगभग 209 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है जो कि अगर देखा जाए 7-सीटर के हिसाब से तो काफ़ी सही है। बाकी ऐसा नहीं है कि इधर ही इधर आपको दिख रहा होगा, इनको उठाओ भाई, अंदर भी बूट स्पेस है और अच्छा खासा बूट स्पेस है। स्पेयर व्हील जो है वो आपको नीचे दे रखा है जो कि नॉर्मल वही स्टील रिम होगा और सेम साइज़ का ही होगा। बाकी अगर ये बूट स्पेस कम पड़े और आप कम लोग हो तो इसकी जो ये थर्ड रो की सीट्स हैं ये आगे जो है पूरी फोल्ड हो जाती हैं, 50-50 के रेशो में फोल्ड होंगी। और इधर की बात हो चुकी है, सीधे चलते हैं अब इसकी आगे की साइड और दिखाते हैं आपको इसका इंजन कंपार्टमेंट। यहाँ से किया इसका बॉनेट ओपन और जल्दी से बॉनेट ओपन करने के बाद मिलते हैं भाई, दिखाते हैं इंजन के बारे में। और ये है भाई इसका इंजन, ऊपर देखिए इंसुलेशन पैड आपको मिल जाता है, नीचे बाकी इंजन गार्ड वगैरह कुछ नहीं है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है 101 BHP की पावर और 136 NM का टॉर्क। माइलेज की अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के दे सकती है अगर अच्छे से चलाई जाए। और इसको करते बंद, फिर जल्दी से मिलते हैं यार। तो भाई ये था हमारा रिव्यू 2023 मारुति अर्टिगा VXI यानी सेकंड बेस वेरिएंट का रिव्यू। एक्स शोरूम में आपको कॉस्ट करता है 9,78,000 रुपये और ऑन रोड ये आपको फरीदाबाद पलवल के अंदर 11 लाख रुपये के आसपास पड़ जाएगा।
इसी के साथ वीडियो को करते हैं बंद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में भाई कमेंट्स में बताएं आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जो मारुति अर्टिगा लेने का प्लान कर रहे हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना जिससे आप कोई भी हमारी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।